नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र के नांदेड़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली न्यू अशोक नगर में तेज रफ्तार कार ने पुलिस की PCR वैन को मारी टक्कर, दो पुलिसकर्मी घायल। 2015 के बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर पंजाब सरकार से मिली मंजूरी। एक्टर दर्शन ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए हत्याकांड मामले में मांगी जमानत। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें। मध्य प्रदेश जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 9 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र मातोश्री पहुंचे कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट, उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। अब इंडिगो विस्तारा AI की 30 फ्लाइट्स में बम की धमकी, 8 दिन में 120 से ज्यादा विमानों को धमकियां। 1000 किलोमीटर तक लड़की को छेड़ता रहा कानपुर का दरोगा। झारखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवार, 17 विधायकों में से 15 को टिकट, जेल में बंद आलमगीर और उमाशंकर अकेला होल्ड पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सीट शेयरिंग पर MVA की मीटिंग, आज संजय राउत बोले अमित शाह से कोई बातचीत नहीं हुई, भाजपा अफवाह फैला रही। लखनऊ SGPGI में 4 योजनाओं का शुभारंभ, CM योगी ने 3 योजनाओं का शिलान्यास किया, शिल्प एक्सपो 2024 की हुई शुरुआत। अतीक के साले जकी की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा जांच में सहयोग करेगा। डीजल बसें ना भेजे, दिल्ली में प्रदूषण के बीच गोपाल राय ने यूपी हरियाणा और राजस्थान को लिखी चिट्ठी। अतीक अहमद के 3 फरार शूटरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, आरोपियों पर घोषित है 5-5 लाख का इनाम। महाराष्ट्र चुनाव के बीच पुलिस ने नोटों से भरी गाड़ी पकड़ी। बुधनी उपचुनाव शिवराज सिंह चौहान की बैठक में नहीं शामिल हुए राजेंद्र सिंह राजपूत। सूखे नल, अंधेरे में जिंदगी, सन्नाटे में सड़क, बिजली गुल होने से पानी तक के लिए तरसा क्यूबा। मेरठ में बाहर से होटल, अंदर चल रहा था कसीनो, लड़कियों संग पकड़े गए रईस जादे, पुलिस के छापे से मचा हड़कंप। सलमान खान ने टाला सिकंदर का शूट, बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों के बाद लिया ये फैसला। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।